जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों दो बज गई है और जैसा मैंने दावा किया था वैसा मार्केट करेक्शन पूरा तो नहीं हुआ अभी तक, लेकिन हो भी सकता है। और सबसे पहले डिस्क्लेमर, तो मैंने आप लोग को चैलेंज किया था यहाँ इसके दादाजी को भी एक बार करेक्शन देना ही पड़ेगा। और चाहिए तो मैं रिकॉर्डिंग भी सुना देता हूँ। मेरे दोस्त को मैंने 895 पे भी बोला कि आज जरूर करेक्शन आएगा, भले ही थोड़ी देर के लिए आए। तो सबसे पहले इसको थोड़ा जूम, ये जूम हो गया, इसको आप पढ़ लीजिए पहले ताकि डिस्क्लेमर पढ़ ले, फिर मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। तो ये डिस्क्लेमर आपने पढ़ लिया होगा, इसको पढ़ना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। अब सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरी पोजीशन। मैं देखिए गांव को नहीं बोलता हूँ, खाली खुद करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने आज क्या रिस्क लिया था, लेकिन मैंने समय पर निकल गया। आप देखिए अभी अभी निकला हूँ, जस्ट आपको ट्रेड यहाँ नीचे दिखेगा। ये देखिए बैंक निफ्टी 23,000 का पुट, अभी 12 रुपया आ गया है। नीचे कितना आ गया था देखिए आप, 1 रुपया आ गया था, 1 रुपया 15 पैसा। कितना आ गया था? 1 रुपया। मैंने ये लिया था कितने में, इसका दिखाता हूँ आपको एवरेज, एक सेकेंड। इसकी क्वांटिटी मैंने ली थी 1,000 क्वांटिटी, 1100 क्वांटिटी, 9 रुपया 38 पैसा की एवरेज से। और मैं निकला कितने में हूँ, 11 रुपया 2 पैसा से, जिसका भाव ला 1 रुपया भी आ गया था, लेकिन डरा नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि ये मुझे प्रॉफिट देगा। हालांकि 17 रुपये भी ट्रेड हुआ था अभी 2 मिनट पहले, लेकिन मैंने सोचा कि अब मूल निकाल लो क्योंकि टाइम हो गया है। अब उसके बाद मैंने 23,200 पे भी किया था, 23,200 का देखिए मैंने 30 रुपये की एवरेज से ये 500 क्वांटिटी किया था, 500 क्वांटिटी। अब आप देखो 30 का माल कहाँ तक आ गया था, 3 रुपये आ गया था, 3 रुपये। लेकिन मैंने और एवरेज नहीं किया, यही गलती की, और 38 के एवरेज से निकला हूँ, यानी कि मैं प्रॉफिट में निकला हूँ। ठीक है, ये 300 क्वांटिटी होगी शायद मेरे ख्याल में, हाँ 300 क्वांटिटी। लेकिन अब ये 40 भी हो गया है, 30 की एवरेज थी मेरी, आप देख सकते हो यहाँ पे, और अब 42 भी हो गया। लेकिन मैंने निकाल दिया क्योंकि ये लास्ट मोमेंट में जीरो कर देते, इसीलिए मैंने, मेरे को डर था। अब आप और एक देखिए, 23,300, ये तो फाड़ दिया यार। ये मेरी 22 की एवरेज से 525 क्वांटिटी थी, कितनी थी, 22 रुपया 52 पैसा की, लेकिन मैं निकल गया 50 की एवरेज से। देखिए 22 का माल 50 आज के मार्केट में पुट, लेकिन अब तो ये कितना हो गया, मैं 50 पे निकल गया, 85 आ गया। लेकिन मैं लास्ट आवर में रखना नहीं चाहता क्योंकि इनको जल्दी से जीरो कर देते हैं, आप देख सकते हो। तो मैंने कोई गलत नहीं बोला था आपको, हाँ। लेकिन अब सबकी फट के हाथ में आ गई कि नहीं, जो मंदी कर रहे थे, याद करिए 24 तारीख का दिन, 24 सितंबर। बहुत लोग बोल रहे थे सर आप तो तेजी करवा रहे हो, तेजी करवा रहे हो, बिना बात के तेजी करवा रहे हो, मार्केट तो गिरे जा रहा है। तो बोला कल मैं YouTube छोड़ दूंगा अगर कल 882 के ऊपर 25 तारीख को क्लोज नहीं करेगा। तो 25 तारीख को मार्केट ने कहाँ क्लोज किया, 882 की जगह निफ्टी को 11,050 पे क्लोज किया था, याद आ गया। फिर मैंने आप लोग को एक वीडियो भी बनाया था कि FI का बैन 29 तारीख तक एक्सटेंड कर दिया है, तो अक्टूबर सीरीज में कोई मंदी नहीं आएगी, मंदी आएगी तो 15-16 तारीख के बाद आएगी, ये भी मैंने बोला था। अब मुझे यहाँ पे कंफर्म मंदी लग रही है, चाहे कितना भी बढ़ा दे मैं सेल करूँगा, इसके बाप को सेल करूँगा मैं, और बढ़ जा साले और सेल करूँगा, कोई स्टॉप लॉस नहीं है मेरा पर्सनली, आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा पर्सनली घंटे का स्टॉप लॉस है, इसके बाप को गिरना पड़ेगा, ये भी मैं लिखित में दे सकता हूँ, भले एक बार इसको 11,500 या 400 आना ही पड़ेगा अभी। दिस इज़ कॉल्ड कॉन्फिडेंस, दिस इज़ कॉल्ड नॉलेज गाइज, ठीक है। और डॉक्टर रेडी पे देखिए आप, आज का मार्केट में उल्टा चल रहा है। रिलायंस कल ही आप लोग को बोला 2318 आया था, निकल जाइए, है ना। अब देखिएगा सब गिरेंगे, ये देखिए सांस तोड़ा कि नहीं इसने, 82 का हाई बनाया, अब नीचे की तरफ आ रहा है। इन्फोसिस 1113 का हाई बनाया, अब 92 आ गया, नीचे आएगा सब, ये जो मैं बोला हूँ उनके बाप को आना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, बाकी भगवान जाने यार। देखो मेहनत आप लोग के लिए कर रहा हूँ, आप लोग के लाइक्स चाहिएगा बस। ये मैंने आपको मेरे ट्रेड भी इसलिए दिखाया कि आपको विश्वास हो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, दैट्स इट। और मैं निकल गया टाइम पे क्योंकि ये सेम आज की एक्सपायरी के थे, हालांकि मुझे पता है इनमें 500% भी गेन आ सकता है, लेकिन उपाय नहीं है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।